Himalaya Quista Pro has superior protein wear. The healthy way to fitness. करेल ने रचा भी नहीं रचा इतिहास, वहीं जसवंत नगर ने इतिहास रचा ही नहीं रचा। मैनपुरी लोकसभा सीट से नव निर्वाचित सांसद डिंपल यादव जब भी जनता के बीच जाती हैं तो चर्चाएं आम हो जाती हैं। ऐसा ही एक डिंपल यादव का संबोधन इन दिनों चर्चाओं में है। दरअसल शुक्रवार को किसान दिवस के मौके पर जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में डिंपल यादव ने धन्यवाद सभा की। इस दौरान चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव भी मौजूद थे। मैनपुरी लोकसभा की जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद देते हुए डिंपल यादव ने लोगों को संबोधित किया। डिंपल यादव ने इस दौरान चौधरी चरण सिंह को नमन किया और मंच से डिंपल यादव ने इस दौरान कुछ ऐसा कहा जिसके बाद कुछ लोग तालियां बजा रहे थे तो कुछ लोग नारेबाजी करने लगे। चलिए सबसे पहले आप भी डिंपल यादव का वो संबोधन सुन ही लीजिए। चौधरी सर जी एक किसान नेता थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का जो भी कार्य हुआ उनका पूरा श्रेय चौधरी चरण सिंह जी को जाता है। जहाँ उन्होंने जाति तोड़ने की बात करी, जहाँ उन्होंने समाज को जोड़ने की बात करी, सभी को सम्मिलित किया, सभी की आवाज़ संसद तक पहुँचाने का काम किया, तो मेरा मानना है कि जहाँ आज हम सब मैनपुरी का उपचुनाव जीते हैं, जहाँ आप सब बताएंगे कि भोगाओं ने इतिहास रचने का काम किया कि नहीं किया। मैनपुरी सदर ने इतिहास रचा कि नहीं रचा, किसनी ने इतिहास रचा कि नहीं रचा, वही करेल ने रचा कि नहीं रचा इतिहास, वही जसवंत नगर ने इतिहास रचा कि नहीं रचा। मैं पूरी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का आप सभी के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगी। जो साथ, जो समर्थन उन्होंने समाजदारी विचारधारा का दिया है और हमारे आदरणीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम किया। और यह मैनपुरी की जो जीत है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। वो हमें सिखाती है कि हम सब एक साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ अब ये हम सबका दायित्व है कि जो जो इस चुनाव में हमारे साथ आया है, हम सभी को, उन सभी लोगों का, उन सभी जनों का सम्मान करना है, उनको सम्मिलित करना है, उनको आगे लेके जाना है। जिस तरह चौधरी चरण सिंह जी ने सदैव काम किया है, उन्हीं की विचारधारा में आगे बढ़ने का काम करना है, उन्हीं के आदर्शों को, जो समाजदारी विचारधारा है, जो समाजवादी आदर्श हैं, उनको बढ़ाने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का, हेबरार डिग्री कॉलेज के पूरे मैनेजमेंट का, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का धन्यवाद देना चाहूँगी और सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद भी देना चाहूँगी जो आप यहाँ पे आज आए हैं। हाँ, सबका धन्यवाद देना चाहूँगी।